एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे एक नए टॉपिक के वीडियो में। आइए आज हम आप लोगों को बताते हैं SGOT टेस्ट, जो लीवर फंक्शन टेस्ट का एक हिस्सा होता है। SGOT टेस्ट सीरम ग्लूटामिक ऑक्सीजन जो होता है। आइए आप लोगों को हम दिखाते हैं कि इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है और कैसे किया जाता है और इसका रीजन कैसे बनाया जाता है, ये भी मैं आज बताऊंगा आप लोगों को। आइए देखते हैं कि SGOT टेस्ट का रीजन कैसे बनाया जाता है। टेक्नोलॉजी में कोई भी वर्क करने से पहले दोस्तों वर्क यूज करेंगे दोस्तों। हमारे पास अरबा का SGOT टेस्ट जो काइनेटिक मेथड से है, इसमें आता है दोस्तों जो रिजेंट होता है पाउडर फॉर्म में आता है और इसका डायग्राम दिया रहता है। SGOT टेस्ट और यह है इसका डायग्राम। 1 cc के पाउडर फॉर्म को 20 ml डाइल्यूएंट मिला के बनाना है दोस्तों। तो इसको हम खोल लेंगे। ये दोस्तों ये SGOT टेस्ट ने खोल लिया है। मेजरिंग सिलेंडर के माध्यम से इसको मिक्स किया जाता है दोस्तों, लेकिन हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर नहीं है। तो 10 ml के सिरन से 20 ml डाइल्यूएंट लेके बनाएंगे। ये दोस्तों 10 ml डाइल्यूएंट। और फिर ऐड कर लेंगे 10 ml और। ये हो गया टोटल 20 ml इसमें जो पाउडर फॉर्म में रिजेंट होता है। 20 ml डाइल्यूएंट डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद दोस्तों इसका टेस्ट लगाएंगे। रिजेंट बनाने के लगभग 5 मिनट बाद दोस्तों टेस्ट लगाया जाता है। इसको और अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिक्सर पे रख के। आइए दोस्तों बताते हैं टेस्ट लगाने के लिए किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले ले लेंगे दोस्तों 5 to 50 microliter पीपेट और 100 to 1000 microliter पीपेट और इसका टिप्स भी लगा लेंगे। और हम लोगों को चाहिए होता है पेशेंट का सेपरेट सीरम और एक टेस्ट ट्यूब ले लेंगे जिसको लेबल कर लेंगे। जो टेस्ट ट्यूब होता है दोस्तों उसको लेबल कर लेंगे SGOT। लेबल करने के बाद दोस्तों आइए देख लेते हैं जो हमारे पास सेमी ऑटो बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर है उसमें SGOT टेस्ट कैसे रन कराया जाता है। इसमें दोस्तों पहले 1 press करेंगे रन टेस्ट के लिए। उसके बाद दोस्तों SGOT पे सेलेक्ट करने के बाद इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद दोस्तों इसमें देखेंगे स्प्रेट वाटर मांग रहा है तो वाटर स्प्रेट कराएंगे। वाटर स्प्रेट कराने के बाद दोस्तों जब तक बीप की आवाज नहीं आती है तब तक वाटर को नहीं हटाया जाता है। अब देखते हैं दोस्तों अब स्प्रेड सैंपल मांग रहा है तो इसका प्रोसीजर देख लेते हैं दोस्तों। इसमें प्रोसीजर दिया है 500 microliters रिजेंट वैल्यू
और 50 माइक्रोलीटर सैंपल वैल्यू। इसका फैक्टर दोस्तों 1768 होता है, ये फिक्स फैक्टर होता है, काइनेटिक मेथड से लगता है ये दोस्तों। तो आइए देखते हैं, हमारा रिजन तैयार हो गया है, 100-1000 माइक्रोलीटर पिपेट के माध्यम से 500 माइक्रोलीटर इसको सेट कर लेंगे। रिजेंट को 5 माइक्रोलीटर कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करने के बाद दोस्तों जो ट्यूब को लेबल किए थे उसमें ले लेंगे। अब दोस्तों 5-50 माइक्रोलीटर पिपेट के माध्यम से 50 माइक्रोलीटर सैंपल लेंगे। ये दोस्तों 50 माइक्रोलीटर सैंपल कलेक्ट कर लिए। सैंपल कलेक्ट करने के बाद जो रिजेंट हम लोग लिए थे उसमें सैंपल को ऐड करेंगे। ऐड करने के 5 से 10 सेकेंड बाद दोस्तों स्प्रेड कराएंगे। बीप की आवाज आती है तो ट्यूब को हटा लिया जाता है। हमारा सैंपल रन कर रहा है दोस्तों, तो इसमें लगभग 3 मिनट लगेगा, तो 3 मिनट का वेट करेंगे। जब तक सैंपल रन करता है दोस्तों, आइए आप लोगों को अपना लैब दिखाते हैं और क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास वो दिखाते हैं। तो ये है दोस्तों हमारे पास सेंट्रीफ्यूज मशीन, और अभी हम लोग रन कर रहे हैं LFT, KFT और लिपिड प्रोफाइल। तो ये बाकी रिजेंट है हम लोगों का LFT, KFT, लिपिड प्रोफाइल का। और दोस्तों ये हम लोगों के पास है ब्लड मिक्सर, और दोस्तों हम लोगों के पास है अरबा का S360 थ्री पार्ट हेमाटोलॉजी मशीन। और इसके बाद दोस्तों हम लोगों के पास है माइक्रोस्कोप, ये हम लोगों के पास इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप है। और बाकी सिस्टम दोस्तों हुआ कि नहीं हुआ, अभी दोस्तों इसमें 146 सेकेंड दिखा रहा है अभी, चलो देखिए दोस्तों हम लोगों का SGOT का रिजल्ट आने ही वाला है। बस 1-2 सेकेंड और बस ये हुआ हम लोगों का SGOT का रिजल्ट 33.24। इसका ग्राफ देख लेते हैं दोस्तों, लगभग ग्राफ ठीक ही है। तो ये हम लोगों का SGOT का रिजल्ट है, इसको प्रिंट कर लेंगे। SGOT का नॉर्मल वैल्यू दोस्तों 5.0 से 35.0 तक होता है। ये रहा दोस्तों हम लोगों का SGOT का रिजल्ट।